मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कांटा टोली में बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। हेमंत सोरेन ने यहां करीब आधे घंटे तक फ्लाईओवर का निर्माण करा रही कंपनी और विभागीय अधिकारियों से काम की जानकारी ली। सीएम सोरेन ने इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और काम में गति लाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि कांटा टोली रांची के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। काफी समय से इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे वर्तमान सरकार ने रीडिजाइन भी किया है। ये सच है कि शत प्रतिशत ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पर बहुत हद तक इसमें सुधार हुआ है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय की अवधि के अंदर पूर्ण हो, यही लक्ष्य है। किसी भी निर्माण कार्य में फाउंडेशन तैयार करने में वक्त लगता है। जा रहा है क्योंकि व्यस्त सब जगहों में से एक ये कांटा टोली चौक है और इसी को सहूलियत करने के लिए ही एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया है। यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इसी का थोड़ा अवलोकन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और वर्तमान स्थिति में बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारे कंपनियों को भी ये निर्देश है और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। और चूँकि समयबद्ध तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हम लोग लक्ष्य बना के चलते हैं। देखिए, ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसे चीज़ें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रीडिजाइन किया गया है और रीडिजाइन करने के बाद ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। और जो होता है घर बनाने में फाउंडेशन में थोड़ा वक्त लगता है, फाउंडेशन से सब चीज़ें बाहर आ जाएगी तो बहुत जल्दी सर राष्ट्रपति आ रही हैं क्या? बता दें कि फ्लाईओवर निरीक्षण से पहले मुख्यमंत्री के समक्ष जुडको और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मेसर्स दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रेजेंटेशन रखकर हर पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।